गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ क्लास टू वैल्यू एजुकेशन क्लास. ओके, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, ए बैग ऑफ चेरीज. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर इज सेल्फ कंट्रोल. दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन दिस थीम सेल्फ कंट्रोल. मीन्स अपने ऊपर कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई एनी वन हु हैज कितना अपने ऊपर कंट्रोल है अपनी डिज़ायर्स के ऊपर अपनी. ठीक है, दिस वी विल सी इन द स्टोरी व्हाट ऑल दिस स्टोरी शोज. सेल्फ कंट्रोल मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मनियंत्रण. ओके, अपने आप पे खुद कंट्रोल करना. अगर कोई चीज़ गलत है तो उसे नहीं करना है. ठीक है, और जो सही है उसे करना है, दैट इज़ सेल्फ कंट्रोल. ओके, ए बैग बैग ऑफ चेरीज. चेरीज में चेरीज यू मस्ट बी नोइंग दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टाइप ऑफ फ्रूट which is found on in the hill stations, especially in the Kashmir and in the Himachal Pradesh. So this story is based on this bag of cherries. Okay, now we will see the introduction. Honesty means telling the truth. It means saying that what actually happened or what is actually there. The writer is saying that honesty means imandari, means telling the truth. ठीक है, ईमानदारी जो है वो ऑनेस्टी, जो ईमानदारी जो है वो ये हमें बताती कि हम सच्चाई की ही बात करें, हमेशा सच्चाई के ऊपर बोलें. इट मीन सेइंग दैट एक्चुअली हैपेंड इज व्हाट इज़ एक्चुअली देयर. और हमें ये इसका मतलब ये है कि हमें जो सच में कोई घटना हुई है, कोई बात हुई है, एनी इंसिडेंट, और व्हाट इज़ एक्चुअली देयर और क्या सच्चाई है ये बताना है. When we don't tell the truth, it is a lie. जब हम सच्चाई को नहीं बताते हैं तो जो भी हम बोल रहे हैं वो झूठ होता है. ठीक है, lie means झूठ. Lying is a bad habit. झूठ बोलना एक बुरी आदत है, which often gets us in trouble. और अक्सर झूठ बोल के हम अपने आप को एक मुसीबत में डाल लेते हैं, अक्सर अपने जो हमें मुसीबत में डाल देता है झूठ बोलना. Let us read a story about a boy called Rohan, who thought that he could always get away with his lies. इसमें हम एक बच्चे के बारे में, एक देर इज़ ए स्मॉल बॉय हुज नेम इज़ रोहन, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिम. एंड दिस फेलो, दिस बॉय यूज़ टू थिंक दैट वो हमेशा उसका झूठ जो है वो चलता रहेगा. ही विल ऑलवेज गेट अवे विद हिज लाइज, यानी कि वो हमेशा झूठ बोल के और झूठ करके अपनी बात को चला लेगा. ही हैड दिस सॉर्ट ऑफ फीलिंग, उसके अंदर ये भावना थी कि झूठ के सहारे सब कुछ हो सकता है. वी कैन से इन अदर वर्ड्स, ओके. So we are children, we are, I am starting the main story from this line. Rohan was very fond of eating. Rohan jo the, this boy we can see here in this picture, this boy is here and he is Rohan, this is a small boy, and he was very fond of eating. Wo khane ka bada shaukeen tha. Theek hai, khane ka shaukeen tha, kuch bhi mile khana hai. Theek hai, okay. One day his mother bought a bag of cherries from the market. एक दिन उनकी उसकी मम्मी ने क्या करा कि उन्होंने एक चेरीज का बैग खरीदा. ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वो लेके आई. शी केप्ट इट इन द फ्रिज इन द किचन. उन्होंने क्या करा कि उसको किचन में, फ्रिज में रख दिया. एंड देन शी सेड, रोहन प्लीज डोंट ईट दोज चेरीज नाउ, इफ़ यू डू सो देन यू वॉन्ट बी एबल टू ईट योर लंच, यू कैन हैव दैम इन द इवनिंग. उन्होंने क्या कहा रोहन से कि रोहन इनको प्लीज़ अभी मत खाना, इन चेरीज़ को भी मत खाना, और आप इनको अदरवाइज तुम जो हो अभी खाना नहीं. इफ़ यू डू सो देन यू वोंट बी एबल टू ईट योर लंच, अगर तुम अभी खा लोगे, वो दिन का टाइम था, तो उन्होंने कहा तुम अपना लंच दोपहर का खाना नहीं खा पाओगे. यू हैव दैम इन द इवनिंग, उनसे कहा कि तुम शाम को इन्हें खा लेना. सेड हिज मदर, उसकी माँ ने उससे कहा. She then went to her friend's house. उसके बाद ऐसा कह के वो चेरीज को रख के फ्रिज के अंदर वो अपनी फ्रेंड के यहाँ, अपने फ्रेंड के घर चली गई उनसे मिलने. She might have gone to meet her friend. She went from the house and this little boy was at home. रोहन घर पे था. But Rohan liked cherries very much. उसको जो था रोहन को चेरीज बहुत पसंद थी. He quietly went to the fridge in the kitchen and ate most of the cherries kept there. उसने क्या करा, वो चुपचाप से किचन में गया और फ्रिज में से उसने जो जितनी चेरीज रखी हुई थी, बैग था जो पूरा पैकेट था, उसमें से जो अधिकतर चेरीज जो थी, वो ज़्यादा चेरीज उसमें से काफ़ी चेरीज खा ली.
When his mother came back, she saw that half of the cherries were missing. क्या हुआ कि जब उसकी माँ वापस आई अपनी फ्रेंड के घर से, तो उन्होंने देखा कि जो आधी आधी चेरीज जो हैं आधे से, शी सॉ दैट हाफ ऑफ द चेरीज मिसिंग, लगभग आधी चेरीज जो थी वो खाई जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. मिसिंग थी माने कि गायब थी, मतलब दे वर मिसिंग यानी कि नहीं थी. ठीक है, मिसिंग का मतलब होता नहीं होना. ठीक है, शी अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड, वो समझ गई कि क्या हुआ. वो समझ गई कि रोहन मस्ट हैव ईटन द चेरीज बिकॉज ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग. वो नहीं, अपने को नहीं, कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ. उन्हें पता था कि उसकी आदत है कि वो कंट्रोल अपने को नहीं करेगा, ज़रूर इसी ने खाएंगे. बिकॉज रोहन हैड अ सिस्टर ऑल्सो हुज़ नेम वाज़ तानिया. वी विल सी हर इन द वीडियो. उसका रोल बाद में आएगा, शी कम्स लेटर ऑन. सो देर वर टू चिल्ड्रेन इन द हाउस, वन वॉज रोहन एंड हिज सिस्टर तानिया. ठीक है, बट शी न्यू दैट रोहन मस्ट हैव ईटन दोस चेरीज, हाफ चेरीज, कम से कम आधा अमाउंट ही हैड ईटन. At dinner time, his mother said, I bought a bag of cherries from the market today. और dinner के समय उनकी माँ ने बोला कि मैं एक cherries का bag market से आज लाई थी. But the shopkeeper phoned me an hour late and said that by mistake he had given me a rotten cherries. उसने क्या कहा कि मैं shopkeeper ने मुझे फ़ोन किया था, उसने मुझे ये कहा था एक घंटे के बाद जब मैं लाई थी, और उसने कहा था कि उसने गलती से मुझे एक चेरी का जो चेरीज़ का जो पैकेट दिया है वो ख़राब चेरीज़ हैं. गलती से उसने मुझे ख़राब चेरी, रॉटन मीन सड़ी हुई. ठीक है, माने ख़राब फल, जैसे पुराना हो जाता तो सड़ जाता है, इट इज़ नॉट एबल टू ईट, वो रॉटन हो जाता है. रॉटन मीन सड़ना. ठीक है, तो उसने कहा कि उसकी मदर ने बोला कि वो शॉपकीपर ने मुझे फ़ोन करके एक घंटे बाद बोला था कि मैंने जो द पैकेट विच आई हैव गिवन यू बाई मिस्टेक एंड दैट इज़ द पैकेट ऑफ रॉटन चेरीज, वो सड़ी हुई है, वो ख़राब है, मैंने गलती से दे दिया है. ही सेड दैट ही वुड बी सेंडिंग अ, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज, फ्रेश बैग ऑफ चेरीज टुमारो मॉर्निंग. उसने कहा कि मैंने गलती से, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, कि मम्मी ने उसकी बताया रोहन को और उसकी सिस्टर को दोनों. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन बिकॉज हाफ पार्ट ऑफ द लाइन वॉज देयर इन द फर्स्ट पेज. उसकी मम्मी ने कहा कि उसने मुझे, शॉपकीपर ने फ़ोन करके कहा था कि मैंने बाई मिस्टेक, मैंने गलती से जो पैकेट दिया है वो रॉटन चेरीज़ का, उसमें ख़राब चेरीज़ हैं, और मैं अभी फ्रेश बैग ऑफ चेरीज़ टुमारो मॉर्निंग आई विल ब्रिंग. उसने कहा कि कल सुबह मैं एक फ्रेश चेरीज़ का बैग आपको रिप्लेस कर दूँगा, यानी कि एक नया चेरीज़ का बैग दे दूँगा, और वो वाला नहीं खाना है, दैट इज़ नॉट गुड टू ईट. देन शी आस्क चिल्ड्रन Who ate the cherries I kept in the fridge? उसने बच्चों से, दोनों बच्चों से पूछा, तानिया his sister and Rohan. She asked because she had seen that half of the cherries were missing in the fridge. Okay, so she directly asked that, she's pointing out at them and she's asking who ate the cherries I kept in the fridge. She asked कि किसने चेरीज खाई जो मैंने फ्रिज में रखी थी. Because she knew that someone has eaten. Any one of them had eaten half of the cherries. Tanya said, no, I did not, mom. Tanya ने तो जो उसकी sister थी उसने बोल दिया कि no, ma'am, mom, मैंने नहीं खाई mom, उसने बोल दिया. Rohan also said, no, I did not eat those cherries. Rohan ने भी फट से कह दिया कि no, ma'am, no, नहीं नहीं मैंने वो cherries नहीं खाई. Both of them told that they have not eaten the cherries. So children, I think this is enough for today's video. Because half of the story I will be taking next week. I think this much is enough for you today. I am finishing this video now. Okay? Thank you.